प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या है? आप देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं, मान लीजिए आपके डीन से बात कर रहे हैं, आपके एचओडी से बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बात करते हैं? आप गले में हाथ डाल के और भाई कैसा है ऐसे बोलते हैं? अब अपना आपका दोस्त है, आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हैं? और भाई क्या चल रहा है, ऐसी बात करते हैं ना? आप अपने एचओडी से तो नहीं बोलेंगे कि और भाई क्या कर रहा है, नहीं बोलेंगे। तो ये प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही जब आप इंटरनेट पे आते हैं, नेटवर्किंग पे आते हैं, इंटरनेट पे, क्योंकि बेसिकली इंटरनेट तो नेटवर्क ही है ना, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप क्या फॉलो, आप तो फॉलो करेंगे करेंगे, साथ में जो भी टेक्नोलॉजीज बन रही है या टेक्नोलॉजीज काम कर रही है वो फॉलो करती है। तो इंटरनेट, जैसे मैंने कहा, ये टीसीपी आईपी पे बेस्ड है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए, इंटरनेट किसी स्वीट पे है, इंटरनेटवर्किंग किसी स्वीट पे है, वो स्वीट जो है उसकी लेयरिंग है, पांच लेयर्स है उसमें, जो पांच लेयर है ना, जैसे आप एप्लीकेशन लेयर लिए, जैसे मैं आईएसओ ओएसआई की बात करूं, एक और लेयर थी जिसके बाद टीसीपी आईपी आया, तो उस आईएसओ ओएसआई लेयर में सात लेयर हुआ करती थी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ऐसी लास्ट में अगर आप आ जाए तो फिजिकल लेयर। इन्हीं लेयर को छोटा करके पांच लेयर में डिवाइड कर दिया गया। हर एक लेयर के कुछ प्रोटोकॉल है और वो प्रॉपर आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसको बनाया गया है। तो अलग अलग जो लेयर्स हैं उनके प्रोटोकॉल है, उनके रूल्स गवर्न है कि कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो अलग अलग लेवल्स हैं जहां पर कम्युनिकेशन होता है। जैसे फिजिकल लेयर है, वहां पर बकायदा बिट्स, जो बिट्स है वो ट्रांसफर होते हैं, तो प्रॉपर बिट का एरर चेकिंग, ये सब चीजें आपकी फिजिकल लेयर पे होगी। ऐसी फिजिकल लेयर से थोड़ा ऊपर जाए तो नेटवर्क लेयर आएगा, ऐसी आपका डेटा लिंक लेयर आएगा। तो डेटा लिंक लेयर कुछ अलग काम कर रहा है, उसके अलग प्रोटोकॉल है, कि नेटवर्क लेयर का अलग काम है कि वो पैकेट बनाता है, पैकेट के सामने मैसेज लगाता है, पैकेट के फॉर्म में चीजें जा रही हैं, जब डेटा की बात करते हैं तो पैकेट्स में जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, जैसे आप इंटरनेट पे देखेंगे WWW भी प्रोटोकॉल ही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेलनेट प्रोटोकॉल है, गोफर स्पेस, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, जैसे इसके पीछे आप SMTP वगैरह देखेंगे, ये भी प्रोटोकॉल है। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल है, शुरुआत करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP/IP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन के लिए ये TCP/IP हम यूज करते हैं, राइट? तो आपका एक होस्ट कंप्यूटर हो सकता है, ये किसी भी जगह पे काम कर रहा हो सकता है, हो सकता है ये macOS पे काम कर रहा हो सकता है, आपका जो ये सेंडर हो, ये रिसीवर हो, विंडोज पे हो। तो कैसे इसके बीच में कम्युनिकेशन होगा ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, राइट? ताकि सारे नेटवर्क पे पूरे विश्व में आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। तो जब आपका आप कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, तो आपको एक TCP/IP प्रोग्राम मिलता है ताकि आप मैसेज सेंड कर सके, इंफॉर्मेशन ले सके, और इसके बैकग्राउंड में TCP/IP काम कर रहा होता है। ये देखिए, ये जो है ना TCP, इसके साथ UDP आता है। TCP का मतलब होता है कि आप जब पैकेट्स भेजते हैं तो ये आपके जो कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो भी बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहा होता है। तो TCP/IP डुअल लेयर प्रोटोकॉल, बेसिकली कंबाइंड प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो टॉप लेयर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो मैसेज है जा रहा है ना, उसकी असेंबलिंग के, मतलब कि ये कैसे बनाया जाएगा, ये आपका जैसे इतना बड़ा मैसेज है, इसको इस भाग में तोड़ा जाएगा ऐसे ऐसे करके, यानी कि पैकेट में बनाया जाएगा और इसको इंटरनेट पे भेजा जाएगा, और ये जब ये सेंडर है, रिसीवर भी इसे रिसीव करेगा तो पैकेट रिसीव करेगा, तो इसको जब पैकेट आएगा तो हो सकता है पहले ये पैकेट आ जाए फिर बाद में ये पैकेट आ जाए, ऐसा होता है, क्योंकि अलग अलग पाथ लेता है, नेटवर्क का कोई भी बात ले सकता है। तो इनको तो पैकेट में विभाजित करना, फिर पैकेट्स में भेजना, फिर यहां पर इसको रीअसेंबल करना, ये काम होता है TCP का। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो ये एड्रेस पार्ट पकड़ता है पैकेट का। मान लीजिए आपका ये सोर्स है, डेस्टिनेशन है, ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ऐसे पाथ, एक पैकेट यहां से गया, एक पैकेट यहां से गया। अब इस ये यहां से शुरू और यहां पर आया, बीच में बहुत सारे नोड हो सकते हैं, हो सकता है आप इंडिया में बैठे हो, यूएस में जा रहे हो, बीच में आपका कोई भी एक पाथ हो सकता है, सिंगापुर से जा रहा है आपका पैकेट, हो सकता है ये। तो ये जो पाथ है राइट डेस्टिनेशन पे, यहां से भेजे तो राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ये काम कौन करता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। हर एक जो गेटवे कंप्यूटर है, जैसे मैंने कहा सिंगापुर पे है यहां पे, तो वो चेक करता है कि इसका एड्रेस क्या है, उस हिसाब से इसको फॉरवर्ड करता है। अब इसमें बीच में आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लग रही होती है, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लग रहा होता है, जो कुछ पैकेट होते हैं वो किसी और पार्ट से जा रहे हो, किसी और पाथ से जा रहे होते हैं, लेकिन वो रीअसेंबल होंगे उसी डेस्टिनेशन पे, ये काम इंटरनेट प्रोटोकॉल का होता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो स्टैंडर्ड्स है या वो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब WWW पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं।
जो भी वेब पेजेस हैं आपके, जितने भी वेब पेजेस हैं इंटरनेट पे, वो सारे www के थ्रू आते हैं। HTTP प्रोटोकॉल उसमें यूज होता है। तो HTTP आपको बताता है कि मैसेज किस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है, कैसे इनको भेजना है। ये HTTP पूरी तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे है। जैसे ही सर्वर की तरफ एक वेब पेज की रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर के थ्रू, सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है, ये प्रोटोकॉल पूरी तरीके से HTTP में डिफाइंड है। ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आप HTTP बार बार लिखें, आप www.yahoo.com भी लिखेंगे तो भी HTTP अपने आप लग जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया गया है ब्राउजर में, ओके? लेकिन कोई और जैसे FTP वगैरह करना है तो आपको प्रॉपर FTP देना पड़ता है आपके ब्राउजर में। HTTP आपको एक तरीका देता है जिसके थ्रू आप एक क्लाइंट, जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो कौन सा है, वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर आपके सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है जो कि वेब सर्वर है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक तरीका, जैसे नाम ही इसका बता रहा है कि आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पे फाइल ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है, आपका होस्ट कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर पे भेजने के लिए। एक TCP बेस्ड नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट के थ्रू आपको भेजना है तो FTP यूज करेंगे। तो FTP क्या करता है, एक इसके दो अलग अलग चीजें होती है, एक कंट्रोल और एक डेटा कनेक्शन। तो आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक तो कंट्रोल होता है कि चीजों को कंट्रोल भी करना है और डेटा कनेक्शन भी स्थापित करना है। तो अगर FTP आप सर्वर यूज करते हैं, जैसे आपका फाइल जिला वगैरह है, तो यहां पर आपको पहले एक साइन इन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको आप ऑथेंटिकेटेड है, यूजर नेम पासवर्ड मांग सकता है ये, और उसके बाद सर्वर के साथ ये कनेक्ट होगा। उसके बाद जब कम्युनिकेशन होगा तो वो सिक्योर वे में होगा, यानी कि आपका डेटा जो है इंक्रिप्टेड तरीके से होगा, खुला नहीं होगा, और उसके पीछे हो सकता है कि आप कोई इंक्रिप्शन तकनीक यूज करें, जैसे कि SSL। अगर आप फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप एक क्लाइंट प्रोग्राम यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फाइलजिला वगैरह। तो एक FTP का क्लाइंट प्रोग्राम होता है जो कनेक्शन इनिशिएट करता है, किसी कोई भी रिमोट कंप्यूटर हो सकता है, जिसे हम FTP सर्वर कहते हैं, जहां पर हमारी फाइल या तो आप रखेंगे या लेंगे। एक बार ये कनेक्शन स्थापित हो गया तो आप क्लाइंट इसको इंफॉर्मेशन या फाइल भेज सकता है। तो आप जैसे FTP, ये FTP सर्वर है, इससे कनेक्ट होंगे तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है। और बहुत सारे जो FTP सर्वर है वो कई बार जरूरी नहीं है कि आप यूजर नेम पासवर्ड दें। तो इस FTP से आपकी जो फाइल जो सर्वर पर रखी है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहां पर आप लॉग इन करेंगे, और लेकिन पब्लिकली भी आप अवेलेबल आपको है, जैसे अनोनिमस मैंने FTP बताया, यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। तो FTP TCP/IP इसको यूज करता है और फिर उसी तरीके से काम करता है जैसे HTTP यूज करता है। HTTP क्या करता है, वेब पेजेस को ट्रांसफर करता है, FTP क्या करेगा, फाइल को ट्रांसफर करेगा। जबकि आप देखेंगे, आप कहेंगे कि HTTP में वेब पेजेस होते हैं, वो भी तो फाइल है, लेकिन HTTP जो डील करता है वो वेब टेक्नोलॉजिकल पेजेस से करता है, ये रॉ से भी करता है, रॉ फाइल से भी कर सकता है ना? तो अगर आपको ब्राउजर के थ्रू करना है, FTP साइट आपकी है तो कैसे करेंगे, यहां पर आप FTP लिखेंगे :// यहां अपना यूजर नेम लिखेंगे @FTP.siteNet, जैसे मैंने कहा जो भी आपका फाइल जिला से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आपको FTP के थ्रू करना पड़ता है। जैसे अगर आप HTTP से कर रहे होते हैं जब आप, तो यहां पर HTTP लिखना पड़ता है, यहां FTP लिखना पड़ता है।